सिर्फ 6 मिनट काफी है आपके फुल बॉडी से आपके अनवांटेड हेयर के को हटाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही अगर आपके साथ भी परेशानी है, अनवांटेड हेयर से अगर आप भी परेशान हो, तो ये वीडियो आपके लिए है जरूर। न्यूड का हेयर रिमूवल स्प्रे, और क्यों पार्लर में जाकर के 1200 रुपए खर्च करना दोनों हाथ के लिए और दोनों पैर के लिए, जो काम ये न्यूड का हेयर रिमूवल स्प्रे सिर्फ 290 रुपए में कर देता है। लेकिन थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है, और आपकी स्किन टाइप क्या होनी चाहिए, आप क्या कंडीशन में इसको अप्लाई कर सकते हो, वो सब देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। हाय एवरीवन, मैं हूं छवि, और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक विद छवि में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी क्लिक कर दे। लेकिन जब क्लिक करते हैं तो ऑल पे क्लिक करें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ जनरल टॉक विद छवि के नाम पे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आप मुझसे यहाँ पर नहीं पूछ सकते हो, या फिर अगर आप पूछते हो और मैं उसका आंसर नहीं दे पाती हो, तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि हाँ भाई, 6 मिनट में अनचाहे बाल से हमेशा के लिए मुक्ति मुक्ति मुक्ति। लेकिन कैसे मिलेगी मुक्ति? तो आज मैं आप सबके लिए एक प्रोडक्ट लेकर के आई हूं, और प्रोडक्ट ऐसा है कि वो मेन और वुमेन दोनों के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इसे यूज कर सकते हैं। तो वो है न्यूड का, ये देखिए, ये है न्यूड का हेयर रिमूवल स्प्रे फॉर मेन एंड वुमेन। ओके, ये देख रहे हो ना न्यूड का, तो ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसको आपको कैसे लगाना है, क्या करना है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। बोलते हैं ना कि आधा जो ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे आपके लाइफ के लिए हो। तो जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर उसका कोई रिव्यू किया हुआ है, तो प्लीज उसको पूरा देखें, तभी आप प्रोडक्ट को यूज करें। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। 6 मिनट्स में वाकई आपके बाल जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन कैसे खत्म होंगे, क्या होंगे, वो सब मैं आपको बताती हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो कुछ अगर आप इसको परचेज करते हो, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है। और अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है, तो अगर आप चाहते हो कि इस प्रोडक्ट को ले, तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरह से आता है, और ये जो पैकेट मेरे पास है वो 100 ml के पैकेजिंग में है, और इसकी प्राइस का जो प्राइस है 290 है। यानी कि 100 ml के आपको पैकेजिंग में मिलता है, और इसका प्राइस जो है वो 290 रुपए है। ठीक है, ऐसे कुछ आता है पैकेजिंग में। और ये मेन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं, यानी कि मर्द औरत दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आप ओपन करते हो तो कुछ ऐसे आपको मिलता है। ठीक है, और इसका सेल्फ लाइफ की अगर बात की जाए, तो 2 ईयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ है। तो अब बात तो हो गई इसकी पैकेजिंग की और इसके। और अगर इसका कवर खोलते हो, तो कुछ स्प्रे बॉटल, जैसे वो परफ्यूम का बॉटल होता है ना, जैसे परफ्यूम का स्प्रे का होता है, ठीक वैसे ही आपको वैसे ही स्प्रे में आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इस कौन से स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, वो गलती से भी इस प्रोडक्ट को यूज ना करें। जैसे कि मेरी स्किन है, मेरी स्किन ड्राई और ओवर सेंसिटिव है, तो मेरे जैसे जिनकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, वो इसे यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर होगा। सेकेंड, आपको जैसे कि हेयर रिमूवल क्रीम से, अगर ये सबसे अगर आपको एलर्जी हुई है, तो आप ये क्रीम को यूज ना करें। थर्ड चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन पे घाव या रैसेज हो, अगर आपके स्किन में होता है ना वो फोले आ जाते हैं, गर्मी की वजह से भी आ जाते हैं, या फिर अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह का घाव हो, या फिर छीले का निशान हो, सॉरी छीले का निशान नहीं, अगर छीला वगैरह हो, तो फिर भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद जो आपको मेन चीज आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि इसको आपको वीकनी एरिया में नहीं लगाना है, और ना ही आपको इसको प्राइवेट पार्ट में लगाना है। यानी कि
ना अंडर आर्म्स में आप इसको लगा सकते हो, ना ही आप इसको वीकनी एरिया में लगा सकते हो ये, और ना ही आप इसको अपने फेस पे यूज कर सकते हो। अभी मैं वीडियो में हर एक चीज क्लियर करूंगी, तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। फेस पे इसको आप यूज नहीं कर सकते हो, यानी कि ये जो फेशियल हेयर यहां पर है या फिर यहां पर, आप सोचोगे कि यहां पर लगा ले स्किन डैमेज हो जाएगी, आपको फेस के ऊपर यूज नहीं करना है। आपको यूज कहाँ करना है, हैंड में यूज कर सकते हो और लेग में यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे हाथ की जो स्किन होती है वो थोड़ी मोटी होती है हमारे फेस के स्किन के मुकाबले। ओके, अब जो बात कर लेते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको इसको यूज कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको, जैसे कि सब कुछ मैं बता दी हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम होगा तो आपको नहीं यूज करना है। अभी इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि आपको इसे ओपन करना है, ओपन किए और आपको जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इसको यूज किए और आपको बस थोड़े दूरी से, इतना नजदीक से आपको स्प्रे नहीं करना है, थोड़ा दूर से आपको स्प्रे करना है। जैसे आप परफ्यूम लगाते हो ना, बहुत सारे परफ्यूम होते हैं जो आपको एकदम बाजू में ऐसे स्प्रे करते हो, और कुछ परफ्यूम होते हैं जिसको थोड़ा दूर से स्प्रे करते हो ना, तो इसको आपको थोड़े दूरी से स्प्रे करना है, यानी कि दोनों हाथ पे या फिर दोनों पैर पे थोड़े दूरी से आपको स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद आपको 6 मिनट के लिए अपने हाथ पे, अगर हाथ पे आप लगाते हो तो 6 मिनट के लिए आपको अपने हाथ पे लगे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 6 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रखना है, 5 to 6 मिनट इनफ है। आपके चाहे कितने भी कड़े बाल हो, चाहे आपके, क्योंकि मैं इसको देखी हूं, मैं नहीं लगाई हूं, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं, लेकिन इसका मैं डेमो करके देखी हूं तब मैं आप सबके साथ लेकर के आई हूं। लेकिन ये फेस पे नहीं लगाओगे और ना ही वीकनी एरिया पे, ना ही अंडर आर्म्स में लगाओगे। तो आप लगा करके 5 to 6 मिनट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, वाइप करना है, यानी कि कुछ इस तरह के जो आते हैं ना, वो जो आते हैं टैबलेट फॉर्म में आते हैं ये जो आते हैं, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, कैप्सूल्स जो आते हैं फेस पैक के लिए, जो कैप्सूल्स आते हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो आप कपड़े से भी पोंछ सकते हो, लेकिन अगर कैप्सूल्स है तो बहुत बेटर है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 50-60 रुपीज में ये 100 या 50 के करीब में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके आपको एक पानी में इसको, आपको पहले तो आपको जो है सो कि पानी के अंदर इसको डाल देना है, तो जहां इसको पानी के अंदर डालोगे ना कि ये फूल जाता है, ठीक है, उसका तो उसको एकदम से आपको निचोड़ देना है, यानी कि इस टैबलेट को आपको पानी के अंदर डालना है, जहां पानी के अंदर डालते हो कि वो फूल जाता है, फूलने के साथ आपको क्या करना है कि इसको निचोड़ देना है ताकि थोड़ा सा भी पानी उसके अंदर ना रहे। उसके बाद आपको उससे पोंछ लेना है, पोंछने के बाद आप क्या करना है, इसको आप धो लो, पहले तो पोंछना है, ये नहीं कि आपको पहले डायरेक्ट धो लेना है, पहले आपको इससे पोंछना है, फिर आपको अपने हाथ को धोना है। धोने के बाद आपको क्या करना है, 24 आवर्स तक, यानी कि 24 घंटे तक आपको इस हाथ पे, जैसे हम लोग हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हैं वीकनी एरिया में, तो उस पर लिखा होता है ना 24 आवर्स तक आप कोई भी परफ्यूम वाले प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, यानी कि ना पाउडर लगा सकते हो, ना आप जो है उसके वहां पर क्रीम यूज कर सकते हो, वैसे ही सेम कुछ इसके साथ भी है। जब आप इसको यूज करते हो तो आपको 24 आवर्स तक जो है इसके ऊपर ना आपको सोप लगाना है, ना ही आपको बॉडी लोशन लगाना है, कुछ भी इसके ऊपर आपको नहीं लगाना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप नॉर्मल जो है 24 घंटे बीतने के बाद आप आराम से कोई भी क्रीम या बॉडी लोशन आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कब नहीं लगाना है वो आप जान लो। जैसे कि आज आप वैक्सिंग करा करके आए हो, या फिर आज आप हेयर रिमूवल क्रीम लगाए हो, ठीक है, और आप सोचोगे कि अभी फिर से मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ, नहीं, आपको जब भी आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हो उसके 48 आवर्स के बाद ही आपको ये स्प्रे करना है, ठीक है। और मान लो एक बार आप इसको स्प्रे कर लिए, फिर आप सोच रहे हो कि नहीं फिर से अभी इसी के ऊपर स्प्रे कर दूं, वो भी आपको नहीं करना है। आपको जब भी एक बार आपको स्प्रे करना है और फिर से उसी के ऊपर आपको रिपीट नहीं करना है। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, छोटी छोटी सी बारीकियों के बारे में भी आपको मैं बता दी हूँ, जो शायद आप ये प्रोडक्ट लेकर के भी आओ तो भी आपको समझ में ना आए। प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये हमारे हाथ के लिए और हमारे लेग के लिए सही है, लेकिन हमारे फेस के लिए और हमारे वीकनी एरिया के लिए सही नहीं है।
न्यूड के मैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू कर चुकी हूँ, जो है आपको मिल जाएगा आपके अंडर आर्म्स के लिए और वीकनी एरिया के लिए। वो ऐसा क्रीम है न्यूड का जो कि आप आराम से अपने जितने आपके अनवांटेड फेशियल हेयर हैं उन सब पे आप यूज कर सकते हो, यानी कि अपर लिप्स, यहाँ पर वीकनी एरिया, सब जगह। लेकिन ये स्पेशली बनाया हुआ है मेन और वुमेन के लिए, उनके आर्म्स और लेग के लिए। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये भी पैराबेन फ्री है। न्यूड का जो है हेयर रिमूवल स्प्रे है, जो मुझे लगता है अगर आप पूरे बॉडी का अगर वैक्सिंग कराने जाते हो तो तकरीबन 500 to 600 के करीब में पड़ जाता है। 500 तो सिर्फ हाथों के लिए है, 500 to 700 लेग के लिए है। तो टोटल अगर दोनों हाथ का और दोनों पैर का पकड़ लो तो 1100 या 1200 रुपए हमें वैक्सिंग में लग जाता है। तो उससे कहीं सस्ते में आप निपट जाते हो 290 रुपीज में, अगर न्यूड का ले लेते हो तो वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन स्किन आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।